तो फ्रेंड्स, एक गार्डनर के लिए प्लांट से बढ़िया और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। और कुछ दिनों पहले मेरी बर्थडे थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ प्लांट्स गिफ्ट करे हैं। और ये जो प्लांट्स मुझे गिफ्ट में मिले हैं, ये सब ऑनलाइन ही इन्होंने ऑर्डर करे थे। तो इन प्लांट्स की कैसी कंडीशन है वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और प्लांट्स की इमेजेस भी अटैच कर दूँगी और इनका प्राइस भी शेयर करती चलूँगी। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मुझे कौन कौन से प्लांट्स गिफ्ट में मिले हैं। तो जो फर्स्ट प्लांट मुझे गिफ्ट में मिला है वो है ये बालेरिया। और बालेरिया आजकल मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हो रहे हैं, और इसकी जो पिक है वो मैं अटैच कर दूँगी रेफरेंस के लिए। इसमें पर्पल और वाइट का शेड आता है, बहुत सुंदर सा लगता है। और ठीक ठाक कंडीशन में ये आ भी गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप। और बर्थडे मेरा 4th को था, तो मैंने इसे कल जो है सबको, क्योंकि मुझे शाम में मिले थे तो मैंने कल इन्हें रिपोर्ट कर दिया था। तो मैंने इनको ऐसे इस साइज़ के पॉट में लगा दिया है। और जो प्राइस है और रेफरेंस के लिए पिक मैं अटैच कर दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग भी हो रखी थी पर वो प्लांट स्पेंट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट एक ये प्लांट आया है, और इसका भी जो प्राइस है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी, और इस प्लांट का जो नाम है वो भी। इसमें ऐसे फ्लावर्स थे, ब्लूम किए हुए थे, ऐसे कुछ पर्पल कलर के फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर लग रहा था ये। और ये भी प्लांट अभी ठीक ठाक कंडीशन में है, इसे भी मैंने रिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि वीडियो के चक्कर में मैं वेट नहीं कर सकती थी। प्लांट्स ऑलरेडी जब ट्रांजिट से आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते, तो मैंने इसे लगा दिया था। होपफुली अच्छा हो जाएगा जल्दी, मैं आप लोगों के साथ अपडेट फिर शेयर करूँगी इसकी। तो एक ये प्लांट है, और इसकी भी पिक और जो प्राइस है और नाम, मैं सारा कुछ रेफरेंस के लिए सब कुछ वीडियो में अटैच कर दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट भी एक बालेरिया ही है, पर इस बालेरिया की कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। ये पीच बालेरिया है, और देखती हूँ कैसा चलता है, फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब ये है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट, तो मैंने इसे लगा तो दिया, पर इसकी कंडीशन थोड़ी सी मुझे ख़राब सी लग रही है। इसका भी जो प्राइस है और जो पिक वगैरह वो सब मैं अटैच कर दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। ये वाले जो बालेरियाज होते हैं ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, और ट्रांजिट में इनके ख़राब होने का सबसे ज़्यादा जो बाकी बालेरियाज होते हैं, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो क्रीपिंग वेराइटी होती है इनका थोड़ा सर्वाइवल रेट कम होता है, थोड़ा डेलिकेट होते हैं ये। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं आप देखो काफ़ी पतली पतली सी हैं, तो इनका थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल होता है। खैर जैसे भी है, अभी तो मैंने इसे लगा दिया है। फिर नेक्स्ट प्लांट जो शॉपिंग का है वो है येलो जैकोबीना, और येलो जैकोबीना की मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो। थोड़ा सा ये डाउन सा लग रहा है, इसकी जो ऊपर वाली पत्तियाँ हैं ये थोड़ी सी डाउन सी लग रही हैं, पर नीचे से मुझे ठीक लग रहा है। इसके सर्वाइवल के रेट्स मुझे लग रहे हैं काफ़ी हद तक हैं, क्योंकि इसकी जो मेन ब्रांच है वो भी काफ़ी थिक सी है, और थोड़ा सा इस्टेब्लिश सा प्लांट है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर वाले पत्ते इसके बिल्कुल मुरझा गए हैं, बहुत दूर से आए भी हैं ये, और अभी इन्हें भी मैंने लगा दिया है। और लगाते समय एक चीज़ जो मैं करती हूँ वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप ऑनलाइन प्लांट्स मंगाते हो तो कोई भी स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र या फिर NPK बैलेंस फर्टिलाइज़र, एक बार उस प्लांट को उस टाइम में जब आप रिपोर्ट करते हो तो दे दिया करो, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा और रिस्पांस मिलेगा। अगर प्लांट ठीक ठाक कंडीशन में है, अब वो बिल्कुल अगर सूख गया है तो नहीं रिवाइव हो सकता है, लेकिन हाँ अगर प्लांट ट्रांजिट के शॉक में है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसमें DAP दे दिया था, सॉइल में मैंने सॉइल मिक्स में DAP मिला दिया था। तो इस प्लांट की भी जो भी रेफरेंस के लिए पिक है और जो प्राइस वगैरह है येलो जैकोबीना का, वो मैं इसमें मेंशन कर दूंगी। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है शॉपिंग का, या फिर नेक्स्ट जो प्लांट है गिफ्ट का, वो है रेड जैकोबीना। और ये भी प्लांट अच्छा खासा एस्टेब्लिश सा है, और ये देख सकते हो आप इसकी तो पत्तियाँ भी ऊपर की बिल्कुल ठीक हैं, तो होपफुली ये अच्छा हो जाएगा, जल्दी से शॉक से बाहर आएगा। इसकी भी जो प्राइस है और इसका जो रेफरेंस के लिए इमेज है वो मैं रेफरेंस के लिए अटैच कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और इसे भी मैंने लगा दिया था, और ये सभी लाल मिट्टी में लगे हुए हैं। आई गेस बैंगलोर में लाल मिट्टी होती है, क्योंकि ये सब बैंगलोर से आए हुए प्लांट हैं, तो शायद वहाँ की मिट्टी लाल होती है, तो इसीलिए सभी की मिट्टी लाल ही है इसमें। बट जैसे भी है मैंने ऐसे ही लगा दिया इन्हें, और इतने बड़े पॉट में लगाया है, देख सकते हो आप। तो एक रेड जैकोबीना है,
अब ये जो प्लांट है इसका नाम है गोल्डन रॉड। और गोल्डन रॉड ये जो प्लांट है ये मुझे लग रहा है कि इसका सर्वाइवल चांस मुझे कम लग रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशन हो गई है काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी। लगा तो मैंने दिया है, मैंने इसमें DAP भी डाल दिया है, सब कुछ ठीक ठाक से कर दिया है, पर फिर भी मुझे इसका लगने का चांस कम लग रहा है। खैर जैसे भी है, इसका भी मैं रेफरेंस के लिए पिक और जो प्राइस है वो मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। तो ये होता है कि जब आप ऑनलाइन कुछ लेते हो, भले वो प्लांट्स आपके विशलिस्ट के क्यों ना हो, सेलर्स जो आपको इमेज में दिखाते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। सेलर्स इमेज में काफ़ी मैच्योर प्लांट दिखाते हैं, पर एक्चुअल में वो डेलिकेट ही होते हैं। तो कुछ प्लांट जो होते हैं इस तरीके के, वो फिर उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली जहाँ पर हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, जबकि नवंबर स्टार्ट हो चुका है फिर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। फिर जो गिफ्ट में मुझे नेक्स्ट प्लांट मिला है, टोटल मुझे 8 प्लांट्स मिले थे। तो जो नेक्स्ट प्लांट है वो है ये स्लेरोडेंड्रम की कोई वेराइटी है, अभी मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं कि कौन सा है ये, बट जो भी है इसका भी थोड़ा सा कंडीशन ख़राब है, बट उसकी तरीके से नहीं है। और स्लेरोडेंड्रम थोड़े से लाइक हार्डी वेराइटीज़ होते हैं, तो होपफुली ये सर्वाइव कर जाएगा। और इसका जो इमेज है और जो प्राइस है, पिक है, फ्लावर्स की, वो सभी कुछ मैं अटैच कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो एक प्लांट ये है और इसे मैंने एक छोटे पॉट में लगाया है, क्योंकि इसका रूट बॉल भी छोटा ही था तो मैंने इसे छोटे पॉट पर लगा दिया है। तो इस तरीके से मैंने इसे भी लगा दिया है, सुंदर लग रहा था ये प्लांट भी। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे इन्होंने अपने मर्ज़ी से सिलेक्ट किए थे सारे के सारे, और ब्लू डार्ट से भी मंगाए ताकि जल्दी आ जाए, बट तो इसके बाद भी थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है प्लांट को ट्रांसिट। फिर गिफ्ट में मिला हुआ लास्ट प्लांट ये है, इसका नाम मुझे पता नहीं है। और ये जो प्लांट खरीदे थे, टोटल 7 खरीदे थे और 8 आए थे, तो एक ये कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भेजा है उन्होंने। अब ये कौन सा प्लांट है ये हमने पूछा भी नहीं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं क्योंकि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हमने ये पूछा नहीं उनसे। खैर जो भी है, ये प्लांट भी ठीक कंडीशन में है और थोड़ा मैच्योर था ये, और काफ़ी रूट सिस्टम इसका अच्छा था, तो इसलिए मुझे लगता है ये सर्वाइव कर जाएगा। तो इसका जो है इसका तो कोई प्राइस हमने पे किया नहीं है, तो इसका और इमेज का भी मैं अटैच नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे पता नहीं अभी कौन सा प्लांट है। मैं सेलर से भी पूछूंगी, फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि ये कौन सा प्लांट है। तो एक प्लांट ये भी है, तो टोटल मेरे पास हो गए 8 प्लांट्स। और ये जो मेरी फ्रेंड ने एक इम्पेशियंस की कटिंग भेजी थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, स्वैप करके मैंने प्लांट्स लिए थे, तो इसमें बहुत सुंदर सा ये फ्लावर ब्लूम किया, आज बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। बहुत सारे और भी आ रहे हैं और अभी भी ये ग्लास में ही लगा हुआ है, और तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। ये सारे प्लांट्स अच्छे से चल गए, तो अभी भी मैं इसको यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने बताया कि इतना ज़्यादा यहाँ पे मौसम बदला नहीं है, अभी गर्मी हो जाती दिन में। और ये सब कटिंग्स थी जो कि मैंने स्वैप से ली थी, यहाँ पर भी हैं कुछ कटिंग्स, तो बढ़िया तरीके से चल रही हैं। तो आई होप आप लोग को मेरे सारे नए प्लांट्स अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर।